इंडो गैंगेटिक प्लेन्स और फुटहिल्स में केंद्रित होगी बारिश। बाढ़ प्रभावित वेस्ट एमपी और गुजरात में बारिश में आएगी भारी कमी। नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप देख रहे हैं स्काईमेट वेदर रिपोर्ट। केरल के बाद पश्चिमी मध्य प्रदेश के शहरों को मॉनसून का कहर झेलना पड़ा है। पिछले दो दिनों में मंदसौर, धार, देवास सहित वेस्ट एमपी के कई शहरों में भीषण बारिश रिकॉर्ड की गई है। अब फिर से पिक्चर बदल गई है। इस समय मॉनसून ट्रफ पंजाब से बिहार तक बनी हुई है, साथ ही उत्तर प्रदेश और बिहार तथा झारखंड पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बने हुए हैं। ये सिस्टम बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर लगातार खींचते रहेंगे, जिसके चलते उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड और नॉर्थ छत्तीसगढ़ के शहरों में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। खासकर मिर्जापुर, भदोही, इलाहाबाद, कौशाम्बी, कानपुर, लखनऊ, आगरा, मुजफ्फरपुर, पटना, सिवान, मधुबनी, सीतामढ़ी, गया, हजारीबाग, रांची, देवघर, दुमका सहित कई शहरों में मूसलाधार वर्षा हो सकती है। रायपुर, भिलाई, अंबिकापुर, कोरिया, सतना, रीवा, पन्ना, सीधी में भी भारी वर्षा होने के आसार अभी बने हुए हैं। महाराष्ट्र में नागपुर, चंद्रपुर, मुंबई, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के साथ गोवा में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। गुजरात, राजस्थान और वेस्ट एमपी में मॉनसून अब कमजोर हो गया है। इन राज्यों में फिलहाल हल्की बारिश देखने को मिलेगी, लेकिन केरल में लगभग सूखा रहेगा मौसम। राज्य में अगले 4-5 दिनों तक इसी तरह से मौसम मेहरबान रहेगा और लोगों की कठिनाइयां भी कम होती रहेंगी। नॉर्थ इंडिया में पंजाब, हरियाणा में पिछले कई दिनों से उत्तरी और पूर्वी शहरों में ही वर्षा देखने को मिल रही है। आज भी मॉनसून का जोर इन्हीं भागों में होगा, जबकि बाकी शहरों में बारिश में कमी बनी रहेगी, हल्की वर्षा हो सकती है। राजधानी दिल्ली में कल सुबह बड़े दिन बाद मूसलाधार वर्षा रिकॉर्ड की गई। आज भी दिल्ली एनसीआर में भारी वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के दक्षिणी शहरों में तेज बारिश की उम्मीद कर सकते हैं, जबकि कश्मीर में बारिश में कमी रहने के आसार हैं। स्काईमेट वेदर रिपोर्ट में अभी के लिए इतना ही। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।